नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे जेल ओवरलेज रिमूव। पहले इस इन क्लाइंट को अपने नेल्स पे आर्ट कराना था, पर बाद में उनको ऐसा लगा कि उनको थोड़ा गैप देना चाहिए और वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे। इस टाइम वो सारा रिमूव करा के गैप लेंगे। तो फिर हमने वही किया, सारा नेल पेंट रिमूव करके जेल रिमूव करके उनको गैप के लिए छोड़ दिया। तो अभी हम कर रहे हैं ई फाइल से जेल रिमूव, जिसमें हम जेल को थोड़ा पतला कर लेंगे ताकि जब हम हैंड फाइल पे आए तो ईजीली प्रोडक्ट रिमूव हो जाए। अभी हम सारा जेल रिमूव कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं कर रहे पर उसको पतला कर रहे हैं, थिन कर रहे हैं, ताकि जब हम नेल के पास आए एक थिन लेयर रह जाए तो हम बिल्कुल स्लोली प्रोडक्ट को रिमूव करें ताकि नेल भी डैमेज ना हो और सारा जेल भी इजीली रिमूव हो जाए। तो अभी हम प्रोडक्ट को थिन कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। तो इस ऐप पे भी हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट हैंड पे किया था। जेल को थिन करेंगे, लेंथ को कम करेंगे और ई फाइल या हैंड फाइल जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज़ हो, जो भी जिस भी फाइल से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिससे ज़्यादा काम कर सकते हो, उससे आप प्रोडक्ट को थिन करोगे। सेम प्रोसीजर जो हमने पहले हाथ पे किया वही सेम प्रोसीजर इस पर भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे नेल कट कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट को उनकी लेंथ बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल छोटे चाहिए। तो हम जितनी भी एक्स्ट्रा लेंथ है जो मैम को नहीं चाहिए वो सारी कट कर रहे हैं विद टेप कटर। Thank you.
अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं क्यूटिकल्स रिमूव। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप नेल पेंट रिमूव कर रहे हो, उनको गैप दे रहे हो, तो क्यूटिकल्स की रिमूव कर रहे हो, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे क्यूटिकल्स क्लीन रखना हमेशा अच्छा लगता है, तो इसलिए इस प्रोसेस में भी, रिमूवल में भी, मैं क्यूटिकल क्लीन करूँगा। एज यू विश आप कर सकते हो अपने क्लाइंट पे भी। हैंड्स बहुत क्लीन और सुंदर दिखते हैं। तो फाइनली अभी हम कर रहे हैं अपने क्यूटिकल्स कट। क्यूटिकल्स कट करते टाइम ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं करना, अदरवाइज क्लाइंट को बर्न कर सकता, ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमेशा जब भी क्यूटिकल कट करो तो जो डेड स्किन पार्ट होता है जिसमें आपको अलग से ही कलर डिफरेंस दिख जाएगा, वो कट करना है हमेशा। तो जेल हो चुका है रिमूव, तो अभी हम यहाँ पे हैंड्स को क्लीन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया है, उसको टिश्यू से भी क्लीन करेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल, जो नेल की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उसको लगा के थोड़ा सा मसाज करके हमारा नेल रिमूवल डन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।